गरियाबंद जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस और प्रशासन की ओर से संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला गया। बता दें कि बीते शनिवार को कलेक्टर और एसपी ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकालकर आम जनता के बीच अपनी सशक्त उपस्थिति का एहसास कराया। साथ ही कलेक्टर और एसपी जब प्रशासनिक अफसर और सशक्त जवानों के साथ मिलकर गरियाबंद नगर में फ्लैग मार्च किया तो देखने वाले एकटक देखते रहे। प्रशासन ने अपनी ताकत का एहसास कराकर ये बता दिया कि वो अवैधानिक गतिविधियों के खिलाफ लड़ने के लिए मुस्तैद हैं। इसी दौरान एसपी ने कहा कि चुनाव के दरमियान अवैधानिक गतिविधियों को रोकने के लिए सभी जरूरी मार्गों में चेक पोस्ट लगाए गए हैं। अशांति न फैले इसके लिए आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर पुलिस द्वारा पैनी नजर रखी जा रही है। गरियाबंद से फारूक मेमन की रिपोर्ट। आज जो था पुलिस मार्च जो हमने निकाला है शहर के अंदर, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तहत हमने वो निकाला है ताकि जनता के बीच में एक विश्वास पैदा हो कि वो जो है फ्री एंड फेयर निष्पक्ष तरीके से बिना किसी से डरे जो अपना 26 तारीख को मतदान का प्रयोग कर सके। इसके लिए हमने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर पुलिस मार्च निकाला है। वारंट तामिली के प्रतिशत जो है बढ़ा दिया है, हम ज़्यादा से ज़्यादा तामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। गुंडा बदमाश जो है उनका हम हाजिरी ले रहे हैं, साथ ही साथ में जितने भी हिस्ट्री सीटर थाने में दर्ज है उनका हम नियमित तरीके से चेकिंग कर रहे हैं। और हमारा जो शाम में जो है 5 और 6 के वक्त में